हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि कल हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए देखेंगे। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को भी सभी चीज़ों की जानकारी हो जाए और जो है आपको लेवल्स भी साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक इससे पहले के वीडियो में भी फ्राइडे को जब हम लोगों ने आपको डिस्कशन किया था, वहां पे भी हम लोगों ने आज के लिए इसको ट्रेड करने के लिए रखा था और ये एग्जैक्ट लेवल है 1484 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ ट्रेड करने के लिए रखा था। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल आपको नो डाउट एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना था और ये एक परफेक्ट एंट्री भी था आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर आया, लेकिन उसके बाद आपको कंटिन्यू यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक होल डे पूरा अच्छा यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो HDFC बैंक में आज काफी अच्छा मूवमेंट हुआ और इसको हम लोगों ने कैप्चर भी किया था। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था, जब ये आपको अपने डे हाई को क्रॉस कर रहा था यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद, उस टाइम यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था। और वहां से भी अगर देखेंगे तो आपको 1490 से 1520 तक का जो है एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। स्लो एंड स्टडी जो है आपको पूरा दिन जो है ये एक ट्रेंडिंग ही रहा। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छा आज एक पैसा बना, जहाँ पे कि एक इजी ट्रेड मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई बड़ा कैंडल नहीं था, बिल्कुल एक स्वीट से कैंडल बना। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफी छोटा था और मोर देन 1:2 का जो है यहाँ पे आज एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे इस स्टॉक को कल भी हम लोग ट्रेड करने के लिए देखते हैं। कल के लिए भी सेम बाइंग साइड ही हम लोग का यहाँ पे आपको व्यू है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1510 तक का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट अगर हो जाए और उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस करे तो हम लोग जो है इस लेवल के अराउंड ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 1500 के नीचे होगा तो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट हम लोगों का सेम 15-20 पॉइंट का होने वाला है। और अगर हम लोग इस स्टॉक को डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में भी बहुत ही अच्छा जो है एक बुलिश कैंडल आपको फॉर्म हुआ है। तो एक बार के लिए जो है ये आपको इस लेवल को जरूर क्रॉस करना चाहेगा, तो इसलिए कल जो है आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। तो हम लोग जो है कल इस स्टॉक को देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 1510 के अराउंड अगर आपको ये स्टॉक रिट्रेस होके आता है और यहाँ से अगर कोई भी बुलिश साइन दिखाता है तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 1500 के नीचे, टारगेट हम लोगों का जो है 15-20 पॉइंट का रहेगा इंट्राडे के लिए। सेकंड स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आज के लिए इस स्टॉक को भी हम लोगों ने बाई करने के लिए रखा था। और एक्सिस बैंक के डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आपको यहाँ पे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है और आज जो है बहुत ही अच्छा क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। तो स्टॉक जो है आपको 725-730 के लेवल तक जो है इजीली पुल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इस स्टॉक को हम लोग ट्रेड कब करेंगे, इस स्टॉक में भी जो है आपको यहाँ पे एक रेंज बना है, ये एक रेंज बना है, आपको यहाँ पे एक रेंज बना है। अगर यहाँ पे कल मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है या फिर इस रेंज के ऊपर आपको फ्लैट खुलने के साथ ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे जो है हम लोग बाई करने के लिए देख सकते हैं। इनिशियली आप स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा ही रखेंगे, क्योंकि ये जो है अगर यहाँ से ये रिट्रेस बैक होगा तो ये फिर आपको 690 तक भी रिट्रेस बैक हो सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखना है, 693 के अराउंड स्टॉप लॉस होगा। एंट्री जो है वो हम लोगों का 698 पे होगा, तो 5 रुपीज का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फ्लैट खुलते ही आपको एक बुलिश कैंडल बनाता है या ऊपर की ओर निकलने लगता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मॉर्निंग के मोमेंटम में ही आपको यहाँ पे 705-710 का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है, या नहीं तो अगर ये यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा सा आपको रेंज बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है आपको सन फार्मा। सन फार्मा भी आज के लिए हम लोगों ने रखा था, मॉर्निंग में इसने भी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ पे एक ही कैंडल में जो है आप देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, लेकिन उसके बाद जो है स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक जो है आपको नीचे की ओर ही ट्रेड करता रहा, लेकिन लास्ट के टाइम में यहाँ पे भी एक मोमेंटम जो है आपको बिल्ड होता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पे अगर सन फार्मा कल अगर हम लोग देखेंगे इस हाई के ऊपर निकलता है, 853 के ऊपर निकलता है, 853 या 852.5 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको सन फार्मा को बाय करने के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे रहेगा 845 का, तो 7 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है हम लोगों का यहाँ पे पहला टारगेट 860, और 860 के ऊपर निकला तो फिर 865, 870 तक भी जो है ये स्टॉक आपको अपसाइड मोमेंटम शो कर सकता है। थर्ड स्टॉक है आपको SBI। SBI में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो SBI में भी काफी अच्छा जो है एक मोमेंटम दिखा है आज पूरा दिन, ये भी आपको अपसाइड मोमेंटम किया है, और इसके डेली चार्ट में भी जो है एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे इसको नहीं ट्रेड करेंगे, इस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक भी पुल बैक नहीं आया है। अगर इस लेग की बात करेंगे तो यहाँ पे पुल बैक नहीं आया, तो हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 467, 468 इस लेवल के अराउंड अगर एक पुल बैक होता है, और पुल बैक के बाद ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करता है, तो यहाँ पे जो है हम लोग 465 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ जो है एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। 6 to 7 रुपीज का जो है हम लोगों का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। फोर्थ स्टॉक है आपको यहाँ पे भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। इसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज किया है। इससे लास्ट के सेशन में भी यहाँ पे आपको ब्रेक करने का कोशिश किया था, बट आपको क्लोजिंग नहीं दे पाया। आज जो है आपको 690 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो एक अच्छा जो है यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, जो कि स्टॉक को आपको अपसाइड यहाँ पे इजीली लेके जा सकता है। तो भारतीय एयरटेल को भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे इसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट जो है आपको एक कैंडल 692.5 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। इस लेवल के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो 687 के स्टॉप लॉस के साथ, इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। 5 रुपीज का हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो है हम लोगों का यहाँ पे 8 to 10 रुपीज का होने वाला है। और लास्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो भी आज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाई करने के लिए रखा था, यहाँ पे आपको इसके ऊपर ही खुला, जिस जो हम लोगों ने लेवल सेलेक्ट किया था 717.5 के ऊपर हम लोग बाई करने वाले थे, उसके ऊपर ही खुला। फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम हो गया, लेकिन उसके बाद स्लो एंड स्टडी जो है पूरा टाइम आपको डाउनवर्ड मोमेंटम ही यहाँ पे रहा। लेकिन फिर से अगर लास्ट टाइम में देखेंगे तो 720 के पास जो है ये आपको स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे आपको ये अपसाइड ब्रेक करना चाह रहा था, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अगर कल 720 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे जो है 716 के स्टॉप लॉस के साथ जो है हम लोग यहाँ पे आपको ट्रेड करेंगे। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट जो है हम लोगों का यहाँ पे 6 to 8 रुपीज का रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।